लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी आए हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं कि हमें कानून वापस कर दें, हम चले जाएंगे। उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हम उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो आए और आए ना तो वैसे ही कानून वापस कर दें हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और पिछले 2 महीने से ज़्यादा से लगातार हम लोग आपको गाजीपुर बॉर्डर की हर एक एक्टिविटी से रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ माताएं, कुछ बहनें हैं जो लगातार किसानों के इस आंदोलन में अपने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, अपने अपने तरीके से लगातार जो हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लगातार जो नए कृषि बिल के जो है उसको लगातार वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पूरे आंदोलन को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया ताकि किसानों का जो आंदोलन वो कमज़ोर हो जाए और किसान वापस लौट जाए। लेकिन आज भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं जैसा कि देख रहा हूँ और अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको कि किस तरह से जो माताएं और बहनें हैं जो लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर जो है रोटी बना रही हैं, ये जोश कम नहीं हुआ है, आंदोलन जस का तस बना हुआ है। कुछ साथी हैं जो अपने घर वापस लौट गए हैं किसी वजह से, फिर से वो वापस लौटेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर और जो ये आंदोलन है कृषि कानूनों को वापस लेने का फिर से वही रफ्तार पकड़ेगा, फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कानून वापस लेने की मांग करेगी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 2 महीने में का वक्त बीत जाने के बाद लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सिर्फ एक ही आवाज़ बुलंद है कि MSP पर कानून बनाया जाए और कृषि बिल को वापस लिया जाए। अब सवाल यह है कि सरकार आगे क्या जो है कदम उठाएगी, लेकिन जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें जो हैं अब वो सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, वही शांतिपूर्वक तरीके से किसानों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहे। कुछ माताएं और बहनें मैं उनसे जानूंगा और बातचीत करूंगा कि अब आगे किस तरह से वो सेवा करेंगे, किस तरह से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हमारे साथ आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको, किस तरह से जो ताकत मिल रही है आपको कहाँ से मिल रही है? अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है सेवा करने में। माता जी पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, हम दिल्ली की तीनों सीमाओं पर जा रहे हैं और देख रहे हैं और सूरत हाल बता रहे हैं, जनता तक आपका जो है आपकी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। अब जो कल का जो प्रदर्शन था उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे सबसे पहले? उसको लेके हम यही कहेंगे कि हम तो शांतिपूर्वक जा रहे थे अपनी रैली निकालने के लिए, हमारे साथ मतलब इन्होंने मतलब ये गोलाबारी जो करी है उसमें हमारे कई एक शहीद भी हो गया है और कई लोगों को मतलब चोटें भी लगी हैं और इन्होंने मतलब हमारे साथ बहुत बुरा किया है, जो भी किया अच्छा नहीं किया है। हम तो 2 महीने से यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं, अब भी हम हार मारने वाले नहीं हैं, हमारे कई शहीद हो गए हैं, हम अपना हक मांगने आए हैं और हक लेने ही गए थे और अपनी मांग रख लेने के लिए अब रैली निकालने के लिए गए थे, मतलब अब भी हम अपनी हार नहीं मानेंगे, जब तक भी ये आंदोलन चलेगा हम अपना चलाएंगे और हार नहीं मानेंगे, हम इसी तरह अपना चल रखेंगे। माँ पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप अपने घर अपने रिश्तेदार अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर हैं, हाँ जी। सरकार को नजर क्यों नहीं आ रहा है? अगर गरीब जनता को सबको नजर आ रहा है कि किसान परेशान है, नए कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध किया जा रहा है वो किसानों का सच्चा विरोध है, लेकिन सरकार को नजर क्यों नहीं आ रहा? सरकार पता नहीं क्यों अंधी हुई फिर रही है, हम तो अपना हक मांग रहे हैं और हक लेने के लिए आए हैं, यही हमारे काले कानून है जो यही हम रद्द कराना चाहते हैं जो मोदी जी ने बनाए हुए हैं, बस यही हमारी मांग है इनसे। आप जो सेवा कर रहे हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वही यहाँ पर लंगर में लंगर का इस्तेमाल कर खाना खा रहे हैं? हम देखते हैं अक्सर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी आते हैं यहाँ पर खाना खाते हैं और सेवा करने को लेकर भी लोग बहुत सारे जो है समर्थन देते हैं, लेकिन इस तरह से कोई देखने को हमें नहीं मिला कि किसी को मना किया जाता है चाय से, पानी से, खाने से, ये इतना बड़ा जो कदम उठाया जाता है, हाँ, और इतना बड़ा प्यार जो है, हाँ, वो कैसे? ये ऐसा कि हमारे तो शुरू से गुरु का लंगर चलता रहा, हमारे तो कोई भी आए वो कभी भी भूखा नहीं जाता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे पहले से गुरुओं का हमारा लंगर चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे भंडारे ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल, ये और कब तक सेवा ऐसे ही यहाँ पर चलती रहेगी? जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये सेवा चलती ही रहेगी। क्या मांग करेंगे नरेंद्र मोदी जी? मांग तो ये 2 महीने से जो कर रहे हैं कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं वही है मांग, या अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई हुई भी है वो हमें मंजूरी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण उसको बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन वही बेटी सीमाओं पर आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, वही माँ बेटियाँ वही बहनें अपने इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो अगर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, तो अब नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो तो झूठा है, झूठा था, झूठा रहेगा, ठीक है। उसने महिलाओं की रक्षा की बात की थी, कभी उनके कभी रक्षा हुई नहीं है महिलाओं की। दो महीने से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। कभी आपने सुना है कोई बलात्कार हुआ है किसी के साथ, किसी लड़की के साथ छेड़खानी? यहाँ पे हमने हजारों यहाँ पे लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, एक लड़की भी निकल जाती है ना, कोई बड़ी सुरक्षित, कोई भी उसको कुछ नहीं बोलता है, इतने सुरक्षित तरीके से यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और कभी भी आपने सुना है दिल्ली में, यूपी में बलात्कार की कोई ऐसी घटनाएं सुनी है जब से आंदोलन शुरू हुआ? क्योंकि आंदोलन शांति करवाने वाले जे ऐसी चीजें खुद करवाते हैं, ये राजनीति है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन क्या जो बहन बेटियां यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना उनको, नजर नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए नजर नहीं, नजर कौन आ रहा है उनको? उनका तो वो मुंडी ऊपर उठाए रखते हैं ना, वो झुकाना नहीं चाहते हैं, वो एक दिन झुकेगी, जरूर झुकेगी। बस दो महीने ज्यादा का वक्त हो गया है जी, लेकिन पीएम मोदी ने दूसरे प्रांतों के किसानों से बात की, यहाँ जो किसान डटे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें माँ हमारी डटी हुई है, वो क्यों नहीं नजर आ रही? अब क्या पता उनको क्या नहीं नजर आ रही है, रोज तो प्रदर्शन हो रहा है लेकिन उनको नजर ही नहीं आ रहा है, क्या पता उनको क्यों नहीं नजर आ रहा है। अब जब वोट लेने हैं तब उनको सब पब्लिक नजर आ रही है उनको ना, उनको अडानी अंबानी उनके बच्चे नजर आते हैं, ठीक है। उनके लिए देश की महिलाएं कुछ नहीं है। जय जवान जय किसान की बात कही जाती है, किसानों के ही बेटे सीमा पर दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हैं और वही किसान अपने हक की लड़ाई सीमा पर आकर लड़ रहा है, और ये लड़ाई सरकार से है, कैसे जीता जाएगा? ये तो यूनिटी है हमारी, ठीक है। किसान अब एक हो गया, पूरे देश का किसान एक हो गया, ठीक है। ये एक दिन ऐसा भी आएगा जो कुर्सी पर बैठा है वो पता नहीं धोखे से बैठ गया, कैसे है, ठीक है, झूठबाजी से बैठ गया है। जवान और किसान अब भी एक है, वो तो चलो ठीक है, लोकतंत्र में दिया है, ठीक है, जो जवान है, ठीक है, वो सरकार पूरे देश की रक्षा है, ठीक है, रक्षा करना चाहते हैं, वो रक्षा बने हुए है, जवान भी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने राजनीति के चक्कर में जिस चक्कर भी रचा गया है, ठीक है, इसी के चक्कर में जवान और किसान को बिड़ा दिया है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों कोरोना है ना, कोरोना काल में किया है ये सब कुछ, कोरोना काल में ये सारी प्री प्लानिंग है उनकी। लेकिन पीएम मोदी जी कहते हैं कि जो कृषि कानून को लाया गया है ये किसानों के हित में है, लेकिन अगर वही किसान प्रदर्शन कर रहा है, उसी किसान को ये तीनों कानून नहीं चाहिए, तो फिर सरकार थोपना क्यों चाहती है, कैसे, क्या लगता है? थोपना चाहती है ये, वैसे तो बोलते हैं डिजिटल इंडिया, ठीक है, ये डिजिटल उनका दिमाग नहीं है ना कि धक्के से ये चीजें दे रहे हैं हमें जब मंजूर ही नहीं, हम नहीं चाहते हैं तो क्यों हमें धक्के से दे रहे हैं? इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। जिन नेताओं को ये नहीं पता कि गेहूं की फसल किस वक्त जो है तैयार की जाती है, किस वक्त बोई जाती है, कि जिन नेताओं को ये नहीं पता कि मक्के की फसल कैसे उगाई जाती है, वो किसानों के हक की बात करते हैं? वही तो बात है, वो किसानों की हक की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है इस चीज का। अब तीन कानून बना दिए, ठीक है, उसमें से जब किसान खड़े हुए हो गए तब उनमें से गलतियां भी उनको नजर आने लगी है धीरे धीरे करके, 60% उन्होंने खुद ही गलतियां बता दी है, ठीक है। किसान खड़े हुए तो ही, अब उसको था कि ये सड़क पूरी खाली कर दी और मैं ही अकेला दिख रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे को कोई नहीं है, सारा जब तालियां बजाने को बोला तालियां बजाई, थालियां बजाने को बोला थालियां बजाई, उसने देखा जो पॉइंट मिला उनको कि सारा देश मेरे पीछे है, ठीक है। आपने थाली बजाने की बात कही, कोरोना काल जब चल रहा था तो पीएम मोदी जी ने कहा था कि थाली बजा करके सब अपना समर्थन दे, लेकिन जब कोरोना वैक्सीन आती है तो कहा जाता है कि गरीब जनता पहले उस कोरोना वैक्सीन को लगवाएगी, तो थाली बजवाने वाले पीछे क्यों हैं और जिन लोगों ने थाली बजाई उसको आगे क्यों कर दिया गया? ये तो सारी जो जनता है ना, जो भारतीय जनता है वो बोली वाली जनता है, जैसे जब कहेंगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। और मोदी जी ने 2000 रुपए अकाउंट में डाल दिए तो हमारी जनता गरीब है ना, 80% जनता गरीब है, तो उनको लगेगा कि 2000 रुपए आ गए हमारे लिए, हमारे खाते में, ठीक है। 2000 उनको ये नहीं पता है कि 2000 आप परिवार में पांच लोग हो तो पांच के हिसाब से आप 2000 का देखोगे ना, दिन में 3 रुपए 33 रुपए से आते हैं, ठीक है, एक बंदे में इतना, क्या हमारे जो इतना टैक्स ले रहे हैं क्या इस हिसाब से नहीं आ रहा है? ये तो हम दुगना दे रहे हैं, वो हमारे से ही लूट के हमें वापस मतलब 10% दे रहे हैं, तो ये थोड़ी ना अभी हमने भला कर दिया। आपसे बराबर है इस बात, अब
किसानों का अगला कदम क्या होगा उस पूरे और अगले कदम में, किस तरह जिस तरह से आप दो महीने ज्यादा से जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उसमें आपकी और आगे क्या भूमिका रहेगी? किसान ऐसे ही कंधा से कंधा मिला के यहाँ पे बैठेंगे, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, यहीं पे बैठे रहेंगे। हाँ ये है कि किसान अभी जाएंगे, कुछ दिन के लिए जाएंगे और कुछ किसान वहाँ से आएंगे, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, लगातार किसानों की ताकत बढ़ती रहेगी और लगातार जो है जिस तरह से समर्थन मिला था बाकी और किसान संगठनों का, ये जो है इसी तरह समर्थन मिलता रहेगा। माँ ये सेवा और अब कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कल प्रदर्शन में तोड़फोड़ हुई, कुछ असामाजिक तत्व जो घुस गए थे आकर के, तोड़फोड़ होते ही वो कोई बात नहीं, बंदा मारा गया, बेटा हमारा, उसका गम है, हमें मारते ना, चोटे देते, मारते जान ना लेते, उसकी गोली यहाँ नहीं मारते, पैर में मारते, लंगड़ा होता हमारी आंखों के सामने, हमारा बेटा होता लंगड़ा होता, हाथ बाजू काट देते उसका, मगर लंगड़ा लूला होता, माँ के लिए तो वो ही बहुत है, लंगड़ा लूला ही बेचा बहुत है। ये उस माँ का दर्द है जो लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अंधी भी हूँ मैं, एक आंख मेरी बंद भी है, इसे कट दिखाई देता, बस बहुत कम दिखाई देता, मगर लाल माँ के लिए लूला हो लंगड़ा हो बेटा है मेरा। कुछ भी हो किसानों का दर्द है, ये उस माँ का दर्द है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना समझना होगा। हमारी खेती बाड़ी मकान कुछ नहीं है, तो भी हम आए सपोर्ट के लिए, हम बोर्ड भी है सपोर्ट भी है, क्यों कि ये खेती नहीं रहेगी तो हमें और महंगा गल्ला मिलेगा, मजदूरी नहीं रहेगी तो हमें और महंगा मिलेगा, मिले गल्ला नहीं मिलेगा, हम खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, इसलिए हम आए हैं। बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन सरकार को सोचना समझना होगा कि जो किसानों का ये दर्द है। लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, मोदी जी आए हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं कि हमें कानून वापस कर दें, हम चले जाएंगे, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हम उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो आए और आए ना तो वैसे ही कानून वापस कर दें हमारे, बिल्कुल हम चले जाएंगे। तो सरकार को कदम उठाना होगा जी। एक तरफ लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन यही महिला यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, तो सरकार अंधी गूंगी बहरी कौन? बेटी बचाओ तो ये तो उन्होंने कह रखा है, लेकिन ये नहीं देखते सड़कों पे बेटी खोले हम आजकल डर नहीं सकती है, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती है, शाम को 6 बजे के बाहर 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो भी डर डर के निकलती है, कोई भी होती है, छेड़खानी आजकल रोडों पे बहुत हो रही है। जब वो आपने वोट का इस्तेमाल किया था तो आपने सोचा होगा अच्छी सरकार को हम लोग चुन रहे हैं तो जो सरकार जो है सत्ता में आएगी वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी, क्या आपने ये सोचा था कभी इस तरह से अपने हक के लिए हमें सीमाओं पर डटना पड़ेगा? मेरा अभी तक वोट नहीं बना, मैं 3 साल से दौड़ रही हूँ वोट बनवाने के लिए, लेकिन मेरा वोट अभी तक किसी ने नहीं बनवाया, सब लोगों ने मुझे टहला दिया कि आज नहीं बनेगा बाद में बनेगा अगले महीने में बनेगा, हम लोग खुद आएंगे आपके यहाँ सपोर्ट करने के लिए वोट बनवाने के लिए, लेकिन हमारे घर पे कोई भी अभी तक वोट बनवाने के लिए नहीं पहुँचा, 3 साल हो गए मुझे वोट बनवाने। मोदी सरकार से क्या अपील करेंगे इस पूरे कानून को लेकर? ये तीनों कानून जो उन्होंने दिए हैं वो अपने कानून वापस ले लें, रद्द कर दें ये कानून, हमारी खेती हमारे पास जैसे थी वैसे हम चलाते रहे अपनी खेती। माँ ये कह रहे हैं कि जो ये कल का जो प्रदर्शन था उसको लेकर के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और किसान संगठन जो वो बट चुके हैं, अब किसान आंदोलन कमजोर पड़ चुका है। नहीं, सब कुछ कहना ये ना कहना कमजोर हो गया है, जो घर बैठे हैं वो भी आएंगे, ताला मार के आएंगे, जो हमारा खेती नहीं गल्ला नहीं कुछ नहीं, हमारा घर है सब कुछ हमारा यहाँ है, यहाँ धन हम लेंगे घर जाएंगे तो खाएंगे, यहाँ खाने घर में नहीं तो हम घर में क्यों रहेंगे। बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल है और जो दर्द है ये समझना होगा सरकार को और जो है सरकार को कदम उठाना होगा। एक और बहन मेरे साथ मौजूद है, क्या आपने ये सोचा था कि मैं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार से खुद अपने हक की जो है मांग करनी पड़ेगी? जी नहीं, हमने ये कभी नहीं सोचा था, ये सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, उनको ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए और हम लोग अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। दिन बदला तारीख बदली, लगातार वार्ता हुई सरकार और किसानों की, समाधान नहीं निकला, अब क्या उम्मीद की जाए? निकलेगा, जरूर निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, सब चीज का हल होता है। क्या लगता है आपको कौन लोग हैं जो सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता होती है उसमें समाधान नहीं निकलने दे रहे, क्या लगता है? ये तो पार्टी बाजी यहाँ पर हो रही है, वो लोग खुद ही करवा रहे हैं, किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है, आंदोलन बहुत बढ़िया से जारी है, अभी और जारी रहेगा, जब तक ये किसान यहाँ पर हैं तब तक कुछ नहीं होगा,
बस यही है कि तीनों कानून वापस ले लें और हम लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार सरकार जो है किसानों की समस्या का समाधान कब करेगी और कब तक जो है ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। और लेकिन जिस तरह से लड़ाई सच्ची है, सच्ची किसानों की लड़ाई है और किसान संगठन जो है वो लगातार जो है यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार दिन और तारीख बदल रही, एक नई तारीख देती है, समाधान करने को लेकर वार्ता करती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन देखना होगा कि कब तक समस्या का समाधान।